ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये है ऑर्किड का प्लांट्स है और ये एपिफाइटिक प्लांट्स होते हैं। ये पेड़ों के वुड बार्क में चिपक के ही अपने आप को संभाल रखते हैं और निरंतर ये ग्रोथ करते रहते हैं। बरसात के दिनों में ये ज़्यादा ग्रोथ करते हैं और अगर इसको हम मिट्टी में लगा दें तो ये बिल्कुल ही सर्वाइव नहीं करेगा, ये मर जाएगा। कभी भी ऑर्किड प्लांट को आप मिट्टी में न लगाएं, ये हमेशा पेड़ों के वुड बार्क में चिपक के ही अपने आप को ये संभालता है, ग्रोथ करता है। तो आज के वीडियो में हम यही आप लोग को बताना चाहेंगे और लगा के दिखाएंगे कि हम वुड बार्क में लकड़ी के टहनियों में कैसे ऑर्किड के प्लांट्स को लगाएंगे। आप भी बड़े आसानी से ऑर्किड के प्लांट के लिए ऐसा प्लांटर तैयार कर सकते हैं अपने ही घरों में। तो आप देख रहे होंगे कि हम एक लकड़ी का टुकड़ा हम लिए हैं, नॉर्मल लकड़ी का आप टुकड़ा ले लें जिसमें लकड़ी के जो पेड़ों के जो वुड बार्क होते हैं वो रहनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं भी रहेगा तो पर भी चलेगा, कोई सा भी लकड़ी आप ले सकते हैं और लकड़ी के ऊपर आप ऑर्किड के प्लांट्स को लगा सकते हैं। अगर आपके पास है लकड़ी का टुकड़ा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अलग प्रकार का इसका सॉइल मिक्सचर तैयार किया जाता है उस हिसाब से भी आप एक प्लांटर तैयार करके गमले में भी आप आसानी से ऑर्किड के प्लांट्स को लगा सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि गमले में भी आपको कैसा इसके लिए सॉइल प्रिपेयर करना है। उसके लिए आपको लेना होगा कोको चिप्स, कोको चिप्स में भी आप आसानी से ऑर्किड के प्लांट को लगा सकते हैं। वुड बार्क ले सकते हैं और इस फेगना मॉक्स में लगा सकते हैं, साथ में कोयला आप डाल सकते हैं। तो ये हो गया प्लांटर में हम कैसे लगाएं, ये गमले में कैसे ऑर्किड को लगाएं। आज का वीडियो होगा कि हम पेड़ की टहनियों में कैसे ऑर्किड के प्लांट्स को हम लगाएंगे। आज का वीडियो में यही आपको देखने को मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पूरा वॉच करें और आप लगाने का पूरा तरीका आप सीख सकते हैं। हमने नारियल के जो छिलके होते हैं, जो नारियल के, उसमें भी हमने ऑर्किड के प्लांट्स को लगा रखा है, वो बहुत ही अच्छा सर्वाइव कर चुका है, वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम ले लिए हैं एक लकड़ी का टुकड़ा, आप देखिए कि हम उसको कैसा काटे और कैसा रखे हैं। हाँ, इसमें छोटी सी होल है, होल भी नहीं होगी तो चलेगा। अगर लकड़ी का टुकड़ा ही है तो ठीक है, जैसा भी आपको मिल जाए आप एक लकड़ी का टुकड़ा ले लें। इसके बाद हम ले रहे हैं इसमें सॉइल प्रिपेयर करने के लिए, ये जो आप देख रहे हैं हम स्फेग्नम मॉस लिए हैं। अब ये मॉस हम जंगलों से ही खोज के लाते हैं, बरसात के दिनों में ये कहीं कहीं पे पत्थर में या लकड़ियों के ऊपर, पेड़ों के ऊपर जो काई होता है बरसात के दिनों में, मॉस जो रहता है उसको हम निकाल के लाते हैं और उसको सुखा के हम रखते हैं, खासकर ऐसी प्लांट्स के लिए, ऑर्किड के प्लांट हो गए या तो बोनसाई में जो एरियर रूट होता है उसको ग्रोथ करने के लिए। गर्मियों के दिन में पेड़ों की जो पौधों के जो प्लांट के जो जड़ों होते हैं उसको ठंडकता देने के लिए, मॉइस्चर पैदा करने के लिए, सारे चीज़ के लिए हम मॉस इकट्ठा करके रखे रहते हैं। तो ये ऑर्किड के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, ये भी प्रोपोगेशन से तैयार किया हुआ हमारा ऑर्किड का प्लांट्स है। बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स ये ग्रोथ करते रहते हैं साइड साइड से, तो उसको हम निकाल रखे हैं और फिर से एक प्लांटर हम तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ले लिए हैं ये लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े हैं, कोयले हैं, ये लकड़ी को जलाने पे जो कोयला मिलता है वही है। इसके बाद ये कोको चिप्स हो गया, कोको चिप्स के नारियल के छोटे छोटे जो टुकड़े हो गए छिलके के, वो हो गया कोको चिप्स हो गया और स्फेग्नम मॉस हो गया और कोयला हो गया। इन तीनों चीज़ को मिला के हम इसके लिए तैयार कर रहे हैं और छोटा सा होल है उसमें हम डाल रहे हैं। ऑर्किड के प्लांट को हम हल्का सा स्टेपल कर दिए हैं ताकि वो हिले मत, बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब जड़ें फैल जाएगी, इसके रूट फैल जाएंगे तो ये इसी में चिपक जाएगा। बस शुरू में आपको इसको किसी चीज़ से बांधना पड़ेगा या स्टेपल करना पड़ेगा, उसके बाद सारी जड़ें फैल जाएगी और ये अपने आप को संभाल लेगा।
स्टार्टिंग में जो आपने देखा बहुत सारा जो ऑर्किड चीज जो प्लांट लगाए हुए हैं हम लकड़ी के प्लांटर में, उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उसमें आप जाके देख सकते हैं। नहीं तो हमारे चैनल में जाके आप हमारा वीडियो जो डल चुका है उसको आप देख सकते हैं। और कुछ प्लांट्स तो हमारे जंगलों से ही हंटिंग किया हुआ प्लांट्स हैं ऑर्किड के, जो नॉर्मल सा वाइट कलर और येलो कलर की फ्लावरिंग होती है, बाकी हाइब्रिड पौधे हैं ऑर्किड के जो अलग अलग कलर के फ्लावरिंग होता है। बरसात में ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करती है, तो आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से हम इसको स्टेपल कर रहे हैं, और बीच बीच में स्फग्नम मॉस और ये कोको चिप्स हो गया कोयले के टुकड़े हम बीच बीच में डाल रहे हैं। और इसको हम एक पेड़ की छांव के नीचे रखेंगे। आप ऑर्किड के प्लांट्स को कड़ी धूप में न रखें, जहाँ पे छन की धूप आती हो ऐसे जगह रखें इसको, क्योंकि ये पेड़ के टहनियों पे होता है। हल्की धूप के छांव इसको बहुत पसंद है, तेज़ धूप में बिल्कुल ये ग्रोथ नहीं करता, मर जाएगा, तो ऐसी जगह इसको रखें। हम इसको हैंग करके अपने ट्री हाउस के नीचे रखेंगे। उसके बाद हम इसमें रस्सी से इसको बांध देंगे। इसके बाद हम इसमें हैंग करने के लिए तार का टुकड़ा से हम हैंग करने के लिए इसमें बांध दिए हैं, और इसको कहीं भी आप हैंग कर सकते हैं। और हम अपने ट्री हाउस के नीचे अपना ये ऑर्किड का प्लांट लगा दिए हैं। ये हमारा एक छोटा सा ट्री हाउस है, और ये जो प्लांटर देख रहे हैं ये है नारियल में लगा हुआ है, और ये बेम्बू स्टाइल का प्लास्टिक का पाइप है उससे हमने बनाया है। ये ट्री हाउस भी हमारे हाथों से बना हुआ है। ये विंटेज हमारे लालटेन है, ये भी लकड़ी का बनाया हुआ है हमारे हाथों से। तो ऐसा क्रिएटिविटी हम करते रहते हैं। और एक तो हम जो लकड़ी ट्री हाउस के लिए सीढ़ी बनाए हैं उसी के नीचे हमने एक ऑर्किड का प्लांट लगा दिया, ये भी अच्छा से सरवाइव कर चुका है। एक ये जो है नारियल, जो घर के ही नारियल है उसमें हम लगा दिए हैं नारियल के छिलके पे। और ये तो आप देख ही चुके हैं, बहुत पुराना, हम एक साल पहले लगाए थे जंगल से हंटिंग करके कुछ ऑर्किड लाए थे, उसको हमने ऐसा लकड़ी का प्लांटर हम तैयार किए हैं, जिसका एक छोटा सा नमूना आपके सामने हम बना के दिखाए। और अच्छे छांव वाले जगह में हम इसको रखें, जहाँ पे छन के धूप आती है। एक और इंडोर जगह में हमने एक ऑर्किड का प्लांट और लगा रखा है। और इस ऑर्किड के प्लांट में हम कैसा फर्टिलाइज करते हैं, कैसे फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं, कब कब करते हैं, और कौन सा फर्टिलाइज़र का उपयोग हम करते हैं, ये इसका वीडियो फिर से मैं लेके आऊँगा आप लोग के लिए।
और इसका केयरिंग के बारे में भी हम बहुत सारे डिटेल जानकारी आप लोग को देंगे फ्रेंड्स। तो हमारे इस वीडियो से आप लोग को कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें लोगों तक, और अभी तक हमारे चैनल को अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि मैं ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहता हूँ ताकि आप लोग को उसका इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।